जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों आज का ये जो मुद्दा है ना, पुलिस प्रशासन के लिए है। दोस्तों मैंने काफ़ी बहुत बढ़िया, हमारे देश के अंदर जो पुलिस प्रशासन है ना, उसके अंदर मतलब ये समझ लो कि 85-95% लोग ना अच्छे पुलिसकर्मी है, अच्छा महकमा, अच्छा काम करता है, जो देश के हित के लिए काम कर रहा है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जवाबदारी है। लेकिन 5% ऐसे नल्ले लोग पुलिस प्रशासन के अंदर घुस गए, जो पुलिस प्रशासन के अंदर जो 95% लोग काम कर रहे हैं ना, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों पुलिस वालों के लिए दिल से सलूट इस बात का है, ठीक है, कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ये लोग ना अपने परिवार के साथ कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ईद हो, दिवाली हो, फलाना ढिकाना, ये वो जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी ना राष्ट्रीय पर्व है ना, कोई किसी भी पर्व ना, क्रिसमस से एक का दुक्का को, वो भी अचानक इमरजेंसी छुट्टी, या तो किसी पुलिस वाले की माँ बीमार है, या किसी की बिटिया बीमार है, या खुद वाइफ बीमार है, या भाई बीमार है, फलाना निकाला, जो भी है, नहीं ऐसा कोई सीरियस मैटर, या कोई एक्सटर्नल केस हो, या कोई सीरियस मैटर हो गया, डेड केस हो गया हो, तभी मुश्किल से इन लोगों को छुट्टी मिल पाती है। त्यौहार के बीच में तो गारंटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, पुलिस प्रशासन के साथ छुट्टी मिल जाए। दोस्तों ठीक है, हम इनकी वर्दी को देख के ना काफ़ी लोग गाली करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुस्सा भी होता है। गुस्सा होना जायज़ इसलिए हो जाता है कि जो 95% लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, उन लोगों के बीच में इस गंदा स्क्रीन बन के जो 5% लोग ये पुलिस प्रशासन के अंदर घुस चुके हैं ना, जो इस तरह के मतलब निर्दय बेशरम होते हैं, जिनकी वजह से उन 95% लोगों की छवि को भी धब्बा लगता है और पुलिस प्रशासन की छवि को भी धब्बा लगता है। क्यों? क्योंकि सब लोग किस नज़र से देखते हैं? सब लोग तो इसी नज़र से देखेंगे कि भाई इन लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन के अंदर ऐसे ऐसे घटिया काम ये लोग करते हैं करके। दोस्तों ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत बढ़िया युद्ध स्तर में भी होता है। जो अभी आपको पता है कि इतने टुकड़े किए हुए, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है इतना जो मारा है उस इंसान ने, एक अपनी कहते हैं लिबरेशन में रहने के बाद उसको किस तरीके से किस तरह पुलिस प्रशासन उसमें खंगाल रहा है, और उसमें जो है सबूत फटाफट इकट्ठे किए जा रहे हैं ना, तो पुलिस प्रशासन का काम और मेहनत दिलो जान से करता है यार, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ना ऐसे टाइप के नल्ले टाइप के लोग, इनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, तत्काल तो नौकरी से निकालना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम क्या है यार? जनता का सपोर्ट करना, ठीक है, जनता के बाजू हैं ये लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसमें घुस जाते हैं जो ये समझते हैं कि मैंने वर्दी पहली तो पूरी गवर्नमेंट, पूरी सरकार और पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। दोस्तों मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने समय में मैंने एक डीएम सूर्य प्रताप सर को भी देखा था, और अपने आना और तत्काल में अभी उत्तराखंड के डीएम है दीपक रावत जी, जो ना अपनी जेब से पैसा लगा के लोगों की सेवा कर देते हैं, अपनी जेब की पॉकेट मनी से जो उनको तनख्वाह मिलती है उसी से अपने घर का यापन करते हैं। कोई एक्स्ट्रा कमाई का कोई जरिया वो लोगों का कोई मतलब नहीं, उन्होंने एक मिसाल कायम कर रखी है और ज़रूरतमंद लोगों को 100% वो लोग डिसीजन देते हैं। अभी जो है उन्होंने जो है हल्द्वानी के अंदर ना बिल्कुल गदरा काट रखा है, जितने भी ये गुंडे टाइप के जो छिछोरे टाइप के लोग होते हैं, जो अवैध कब्जा, अपने को बहुत बड़ा दिक्कत, बॉस और बहुत बड़ा दमक समझता है कि हमारा इस नेता के साथ ये वो है, ऐसा वैसा, सबकी ये लोग सिट्टी पुट्टी घूम कर देते हैं और सही तरीके से गरीबों को न्याय मिलता है। सूर्य प्रताप सर ने भी डीएम जो पहले थे हल्द्वानी के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ा जलवा किया था और काफ़ी अवैध कब्जों को हटा के वहाँ पे लाइन भर तरीके से दुकानें शॉप खुलवाई थी, जिसमें आज लोग दुकान चलाते हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं तो अवैध कब्जा रोड तक आ गया था। और आपको पता है हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर कितना कस्टेड एरिया है, छोटी सी जगह है, लेकिन लोग इस तरीके से ना रोड में इस तरीके से भीड़ हो जाती है कि मतलब बंदे का गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है वहाँ, उसके अंदर इस तरह की बुरी हालत है, उसके बाद भी लोग कब्जा रोड तक ले आते हैं। लेकिन अभी जो है दीपक रावत जी ना आईएएस डीएम उत्तराखंड, उन्होंने जलवा कर रखा, बिल्कुल रोला काट रखा, बिल्कुल बहुत खुशी होती है। दोस्तों अभी मैं वापस मुद्दे में आता हूँ, तो ऐसे पुलिस वालों की बात जो मैं कर रहा था उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी होगी, जो इस तरह के 5% पुलिस प्रशासन के अंदर जो घुसे हुए हैं, ये सोचते कि हम जो भी कर लेंगे, इन्हें पता नहीं कि तीसरी आंख भी देख रही है, ठीक है, और अदालत सबूत मांगती है और सबूत चंद सेकंड में, एक कांड करने पर हजारों कैमरे फ्लैश होते हैं, लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और ये लोग सोचते हैं हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये घर जाके अपने कपड़े उतारते भी नहीं होते तब तक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। पहले इस मासेज जी को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, झूठ मारो,
माँ बहन की गाली जरा ये नल्ला, ठीक है, ये पुलिस रुपए के नाम पे कलंक है और इतना पुराना है कि इसकी सर्विस भी ज्यादा है, दो तीन शक्ल अच्छे से पहचान लो, कहीं कहो मैं अभी इसके बारे में नॉलेज में नहीं डालूंगा, लेकिन जिस तरीके से उस बच्चे ने अपनी उसको रोका होगा चालान के लिए, उसने अभी बाइक खड़ी करी थी और बाइक नीचे गिर गई और इसने जो बाइक गिरी है वो उधर अपने चालान का प्रोसेस कुछ कर रहा होगा, वो सामने किसी से लिखवा रहा लिखा बड़ी करवा रहा, तब तक उसकी बाइक गिर गई, तो तेरी माँ की तेरी बहन की, जैसे कि इसकी माँ नहीं है इसकी बहन नहीं है कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा पुलिस प्रशासन है, 5% लोग ना ये नासूर है, ये दाग है, धब्बा है, ये कलंक है देश के नाम पर, अपने प्रशासन के नाम पर, अपने अपने करीबों के नाम पर, ये सबका नाम खराब करते हैं, अपने बच्चों का नाम खराब करते हैं। दूसरा वीडियो दूसरी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में दिखाऊंगा, ज़्यादा मेरे को ऐसे दिखाने को वो नहीं है, मैं शॉर्ट में वो दिखाऊंगा। एक बाबूजी को अब ये देखो आप, ये देखिए आप, ये लोग ना कसम से कह रहा हूँ ना, शर्म आनी चाहिए, इतनी उम्र हो जाती है, मतलब ये सोचते कि हराम के पैसे से सब हो जाएगा, ठीक है। 10 तो मेहनत की रोटी जो होती ना उसी में बंदे ने अपना जो है गुजर बसर करना चाहिए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए। ये देखो मैं दिखाता हूँ, दोस्तों आप जरा सा ये देखो, ये बंदा जो है ना 20 रुपए किराया देके जा रहा है रिक्शा वालों को, शर्म आनी चाहिए दोस्तों, कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ऐसे तो पुलिस वालों को सरकार ठीक ठाक तनख्वाह दे देती है जिसमें उनका घर भी चल जाए और बाकी खर्चे भी निकल जाए, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद कुछ पुलिस वाले हर तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही पैसा बचाना इन पुलिस वाले को भारी पड़ गया दोस्तों। दरअसल ये पुलिस वाला एक ई रिक्शा में कहीं जा रहा होता है जिसका किराया 20 रुपए होता है, लेकिन ये पुलिस वाला उस ई रिक्शा चालक को उसका किराया ही नहीं देता और उसके बाद यही ई रिक्शा चालक इस पुलिस वाले का वीडियो बना लेता है और यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों। अब इस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो पुलिस महमे में रह के किस तरीके से पुलिस प्रशासन को बदनाम करते हैं और जो 95% लोग हैं उनका ये नौकरी में जो धब्बा लगवाते हैं ना ऐसे नल्ले और ये करप्ट ये गंदे मतलब गंदी नाली के कीड़ा भी कहा जाए इनको कम है। ये देखो ई रिक्शे में आया, इसने 20 रुपये देने की इसकी औकात नहीं है, बताओ ये अपने बच्चों को क्या सीख देगा, और ये इतना करप्ट होगा कि इसके बच्चे ने भी वही सीखा होगा और वही लोग भी कैसे घूस ली जाती है कैसे लोगों को दबाया जाता है वो गलत काम सीख रहे होंगे, ये सोचा मेरा बुढ़ापा आराम से कट गया, इसका बुढ़ापा आराम से कटने वाला नहीं है, इसके बच्चे इसको ताने मार मार के इतना मार देंगे ना कि तूने हराम की कमाई से हमको इस तरीके से खिलवाया है पिलवाया है और बड़ा किया है और जैसा तूने किया वही हम लोग सीखेंगे दोस्तों। ये जो है ना माँ बाप के लक्षण जो है ना बच्चों में जरूर जाते हैं और ये 20 रुपये ये वीडियो वायरल हो गया और लास्ट में जो है इनके सीनियर अफसर ने इनको सस्पेंड कर दिया है। 20 रुपये जान के 40,000 की नौकरी से लोग हाथ धो बैठे फिलहाल के लिए, ड्रेस लटक गई है, फिलहाल सस्पेंड है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या विचार है आप खुद आप समझ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।